शाह बोले मुझ पर मोदी को फंसाने का दबाव था। यूपीए सरकार में एनकाउंटर केस में सीबीआई ने बुलाया, कहा मोदी का नाम दे दो छोड़ देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि यूपीए शासन के दौरान उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने का दबाव डाला गया था। शाह ने कहा कि तब सीबीआई उनसे गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में पूछताछ कर रही थी। अमित शाह न्यूज 18 के प्रोग्राम में बोल रहे थे। उन्होंने एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप पर कहा, मैं आपको बताता हूं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कैसे किया गया, मैं इसका शिकार हो चुका हूं। कांग्रेस ने हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार का केस नहीं किया। जब मैं गुजरात का गृह मंत्री था तब एक एनकाउंटर हुआ, सीबीआई ने केस फाइल किया और मुझे गिरफ्तार कर लिया था। गृह मंत्री ने कहा 90% पूछताछ के दौरान वो यही कहते रहे कि क्यों परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम ले लो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कई विपक्षी नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।